चलो अब सब देखें इंक्लूड्स। अब मैंने यहां पे लिखा है एक एरे के अंदर संजय, अमन, रहमान, विकास, रोहित, अमन, और लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया ए। ठीक है, तो अभी क्या प्रिंट करेगा? पूरा प्रिंट करेगा। अब मैंने क्या लिखा है यहां पे, ए डॉट इंक्लूड्स। मैं इससे क्या कह रहा हूं कि अमन वन है क्या इसके अंदर? अब देखो रन करता हूं, ब्राउजर पे आया, मैंने इसको रन किया, देखो आंसर में क्या दिया सर कि एरे के अंदर अमन वन नहीं है, फॉल्स आ गया। इंक्लूड समय क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर अमन होता तो क्या कह देगा ये? ट्रू। ठीक है, ये यूज होगा एक्सपेस में भी आगे चल के प्रोजेक्ट में। ठीक है, नोट कर लो उसको जल्दी से, इंक्लूड्स को। नोट कर ले थोड़ा जल्दी से। नोट हो जाए बता देना। हो गया नोट, बाकी लोगों का चलो अब देखो। हाँ जी, इसमें ये हम पैर, हाँ तो चेक कैसे करेंगे हम, ट्रू फॉल्स कैसे आएगा? मैं से पता है, बताएगा मुझे कैसे कि इसमें वो है कि नहीं है? हाँ लगा रखा है ना मैंने, है कि नहीं, नहीं होगा तो मुझे फॉल्स दे देगा। देखो यहाँ पे क्या ना, हाँ देना पड़ता है ना, वेरी पता है मैसेज कैसे होगा हमारे पास। हो गया सबका। अब देखो एक आता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। देखो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में, अब देखो यहां पे दे रखा है मैंने वेर,
और एक एरे ले रखा है मैंने इतना कुछ इसके अंदर, ठीक है। अब मैं लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा मैंने ए, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा पूरा भी। अब मैं लिखा ए डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा है कि अमन ढूंढो, अमन ढूंढना है कहां से, फोर इंडेक्स से ढूंढना है, तो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब वो यहां से ढूंढना चालू करेगा, ये ढूंढेगा इसको यहां से ढूंढेगा, और ये मिल गया, कहां मिल गया, ये मिला, तो कितने मिलेगा उसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे जाके इसको मिला है, दिख रहा है आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि अमन ढूंढना है, 4 मतलब कहां से स्टार्ट करूं ढूंढना, मैंने कहा 4 इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करो, मिलने का तो यहां मिल सकता है इसको, मगर मैंने कहां से बोला स्टार्ट करने को, यहां से, ठीक है। तो अभी मैं रन करूंगा, देखो क्या प्रिंट कर दिखाएगा ये, तो आ रहा है 8, चलो 8 आ गया, ठीक है, यहां से ढूंढेगा। और अब लास्ट में इंडेक्स में क्या होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में, लास्ट में जाकर चीजें ढूंढेगा, मैंने कहा रोहित ढूंढो, तो रोहित सबसे लास्ट में जाकर ढूंढेगा, वो इसको ही देखेगा, सबसे लास्ट वाले को देखेगा रोहित, ठीक है। देखो आ गया 12, ठीक है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, नोट कर लो उसको सब लोग। नोट कर लें, इससे क्या आपका जावास्क्रिप्ट से आप लोगों का बेस बन गया, तो अपना मोंगोडीबी में कोई दिक्कत आएगी आप लोग, अब मैं कहीं दिक्कत नहीं आएगी अब सिखाने में मुझे आप लोगों के साथ में। लास्ट में जाके ढूंढेगा ये, देखो जैसे यहां पे देखो रोहित जो सबसे लास्ट में होगा ये, इसको देखिए आओ, तो ये तो देखो 12 आ रहा है यहां पे इंडेक्स उसकी, नोट कर लें जल्दी जल्दी सब लोग।
हो गया सबका। नोट कर लेना, बता देना मुझे। हो गया। अब एक बनाओ फाइल आप लोग, object.html, object.html सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारा जो आपको मैंने बताया था ना डेटा टाइप में, ऑब्जेक्ट लास्ट टॉपिक, मतलब जो डेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाए थे पूरा डिटेल में समझा दिया। एक मान लो फाइल object.html बन गई। अब देखो यहां पे, तो आपको मैं बताया था ना, मैं लिखा वेयर ए, तो ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये क्या है एफ नेम, इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या है इसकी वैल्यू। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी अगर ऐड करनी है ऑब्जेक्ट में, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी स्टोर करी है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एरे रखा हुआ है, देखो दिख रहा है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, देखो आप लोग, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फंक्शन स्टोर कर लिया, एक दो फंक्शन रखे हैं, दिख रहा है आप लोगों। इस ए नाम के एक वेर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कितना कुछ स्टोर कर लिया, एक ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी रख ली, ऑब्जेक्ट एरे बना लिया, फिर एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया और फंक्शन स्टोर कर लिया। मोंगो डीबी में और नोड जेएस में एक्सप्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ना यही ऑब्जेक्ट हमारा। मोंगो डीबी पढ़ोगे ना तो उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट में ही चलेगा, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट, देखो ये। अब प्रिंट करना है तो देखो ऐसे प्रिंट करते हैं, मैंने अब लिखा, पहले तो मैं कंसोल में दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप कंसोल में देखो उसको, कंसोल में एड क्लिक किया, ओपन ब्राउजर किया, इंस्पेक्ट किया, देखो पूरा ऑब्जेक्ट आप लोग, देखो दिख रहा ऑब्जेक्ट, देखो आ रहा एज नेम, अब देखो फेवरेट मूवीज एरे है ना, एरे थ्री, देखो ये फंक्शन दिखा रहा है, फुल नेम नाम का फंक्शन है, देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देखो इस एरे के अंदर 0 1 2 3 है ना, देखो ये फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर, नीचे देखो लिखे आर्गुमेंट एक्स, ये देखो दिख रहा है, देखो लिविंग नाम का एक ऑब्जेक्ट था, सिटी इसकी प्रॉपर्टी है, दिख रहे हैं हम लोग सबको, सेल नाम का एक फंक्शन है, देखो ये देख पाए सब लोग, ऑब्जेक्ट कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ब्राउजर पे कैसे चेक करते हैं, ऐसे मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, हम डायरेक्ट, सबको सबको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, देखो तो मैसेज क्या शो होगा, ये मैसेज होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करना है तो डॉट नेम चाहिए, पहले को नेम बताया था ना स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने जावास्क्रिप्ट, नेम नहीं है क्या, अच्छा एफ नेम होगा उसमें, एफ नेम, ठीक है। अगर एरे प्रिंट कराना है तो ऐसे फेवरेट में वन पे क्या है 16, देखो फेवरेट में वन पे क्या है 16, बताया था ना आप लोगों ने, पढ़ाया था स्टार्टिंग में इस तरीके से, फंक्शन प्रिंट करना है तो इस तरीके से फुल नेम प्रिंट हो गया,
अब देखो ये दिस क्या होते हैं, दिस दिस यहां लगे हैं, दिस दिस ठीक है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जी ऑब्जेक्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टी को किसी फंक्शन के अंदर यूज करना है, अगर मैं दिस ना लगाऊं, मैं सोचूं ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कर लूं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट एफ नेम एल नेम, किसके अंदर, मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है एक फंक्शन फुल नेम नाम का, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एफ नेम एल नेम को प्रिंट रिटर्न करना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने ये कॉल किया यहाँ पे इस तरीके से, तो अभी देखना जी एरर दे देगा। कंसोल किया, देखो आगे एरर देख रहा है क्या कह रहा है, एफ एफ नेम इज नॉट डिफाइन, कह रहा है देखो ऑब्जेक्ट और फुल नेम है ना। अगर हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू, आगे देखो यार यहाँ पर, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को फंक्शन के अंदर प्रिंट करना है तो क्या लगाना पड़ता है, दिस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो नहीं आएगी, विकल्प से समझ आया। अभी इन पर डिटेल में पूरा काम करेंगे, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में इस पर, ठीक है। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, बहुत सारा है ना, तो वहां से कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है, ग्रुप में दे रहा हूँ, अपलोड करोगे तो उसमें एरर आ जाए कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप से ले लो उसको चला के देख लो सब लोग, या ग्रुप में देखता हूँ एक बार आ जाए, पूरा पूरा आएगा नहीं, बड़ा है ना इसलिए। भेज रहा हूँ चैट में भी, नोट कर लो आप लोग, तो नोट कर लें, चला के देखें इसको। नोट कर लें आप लोग, क्या सबका बाकी लोगों का, ओके चल गया ना। अब देखो यहाँ पे, अब एक आता है ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर इन लूप, एक बनाओ फाइल आप लोग फॉर इन लूप के नाम से, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक बना लो फाइल फॉर इन लूप के नाम से। आप लोग को मैंने काम दे दिया ना डिजाइन का, दिया कि दिया, ठीक है तो बनाना चालू कर दो, है ना, अगली क्लास में चेक करूंगा ये बना के, आप लोग ग्रुप में भेजते जाना होम पेज, ठीक है ना। हाँ होम पेज, होम पेज बाल बन जाएगा बूटस्ट्रैप पे, तो
बूट स्टेप पे क्या नेबार बनाना, नेबार स्लाइडर क्या पता नहीं है? चलो बता दूंगा अभी। हाँ तो अब देखो फॉरेन लूप, तो अब मुझे ये ऑब्जेक्ट देखो, मुझे अगर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी इतनी, अगर इन प्रॉपर्टी को मुझे ब्राउजर पे प्रिंट करना है, तो अभी अगर मैं कुछ ऐसे लिखता था, तो याद होगा, ये बंद करूं, ये ऐसे बंद करूं, तो अभी मुझसे मना करता था, सुन लोगों को तो क्या आंसर आता था? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता था आंसर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब कैसे प्रिंट करूं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं? फॉरेन लूप। देखो फॉरेन लूप ये, अरे फॉर मैं लिखा था वेर, और लिखा मैंने ए, और इसके लिखा मैंने इन, और लिख दिया मैं किस में आ रहा है, ओवीजी के अंदर। ओवीजी मतलब जो भी ओवीजी के अंदर है, तो जो भी इस ओवीजी के अंदर है ना, वो मैंने किस में रख लिया, इस ए के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, फॉर फॉर लूप क्या करता है, जब तक डेटा आएगा तब तक चलता रहेगा, है ना? तो जो भी ओबीसी के अंदर आएगा, अब मैं किसमें रख लिया, इस ए के अंदर। हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां मैं लिख दिया ए। तो अभी देखो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखो देखो अब इसने क्या प्रिंट किया, दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दिख रहा है सबको? अब इसने उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की, सब लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है? अब मैं क्या चाहता हूं कि साथ में वैल्यू भी प्रिंट कर दे इसकी। ठीक है, तो हम किस तरीके से कराते हैं, इस तरीके से देखो, क्योंकि जो वैल्यू आएंगी ना वो किस में आएगी, एक एरे में आएगी, इस तरीके से देखो ए, फिर यहाँ पे का ओबीजे, और इसमें एरे का साइन लगा दिया। अब देखो आउटपुट आ रहा है, अगर मैं थोड़ा इसको बंद कर दूं, इसको हटा दूं और सेव कर दूं, अब देखो फर्स्ट नेम दिख रहा है, फर्स्ट नेम यहाँ पे, अब देखो यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ए ए में क्या आ रहा था, ए में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। अब मुझे डेटा किस में चाहिए, एरे में चाहिए, फर्स्ट नेम भी है उसका और नाम भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओबीजे, और इसको एरे में रख लिया। ठीक है, अगर मैं इतने पार्ट प्रिंट कराऊं, इतना पार्ट डॉक्यूमेंट नोट राइट सेव करूं, देखो अकेला क्या प्रिंट हो रहा है, स्वयं पे देखो दिख रहा है, नोट करो आप इसको। प्रिंट कर लें फॉरेन लूप को, हाँ।
नोट हो जाए बता देना। फॉर इन लूप, नोट हो जाए बता देना। हो गया फोर लोगों का हो गए। अब एक चीज देखो आप लोग, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्ट जीएस का नाम सुना है? अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा कोड आप लोग, अब देखते हैं कितना अभी तक आपने पढ़ा और कितना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा। अब देखो ये समझ में आ रहा है, बताओ ये लाइन क्लियर हो रही है अच्छे से? सब लोग देख लें ये वाली अभी लिखी ना, समझ में आ रहा है कोड दोनों सबको? इसलिए पढ़ाया है जावास्क्रिप्ट अभी आप लोगों को कि बेस क्लियर रहे। जी फंक्शन भी पूरा कैसे काम करते हैं, अब देखो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो जो अभी पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ा के आपको आया, अभी पढ़ाया था ये। और देखो आगे, अब देखो ये चीज मैन, ये क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है सबको? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, कुछ पता है इसके बारे में आप लोगों को? इसको बोलते हैं डोम, डोम डी ओ एम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी। बूट स्टेप सीखा था, उसमें बटन पे क्लिक करते हैं मीनू ओपन होता है, वो आईडी मैच होती है ना, वही डोम। अब जो पढ़ने वाले हैं डोम ये है ना, तो अब आप बनाओ फाइल एक डोम डॉट एस टी एम एल के नाम से, एक बनाओ फाइल dome.html। अंकित झा लेट कैसे हो गए? हाँ जी, अच्छा किस कॉलेज? अच्छा SNS में हो आप? अच्छा ठीक ठीक है, इतने लेट तो लो ऑफिस से कितने टाइम छूटते हो? घर काम पे आपका? अरे बहुत दूर नहीं पड़ जाता वहां से लात में लौटने में? अरे बहुत लेट हो जाते यार। हाँ कहाँ वो, कहाँ झांसी थाना रोड, जल्दी जाया करो। चलो कोई नहीं,
तो अभी ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट तो आपको वैसे आता ही होगा वैसे तो, है ना। तो अब जो अगली क्लास चालू होगी ना वो मेन होगी मोंगोडीबी से, ठीक है। इनको मैंने जावास्क्रिप्ट ही पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया। जो लास्ट टॉपिक इनका रह गया वो रह गया डोम, सुबह पढ़ाने वाला हूँ डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब थर्सडे से चालू होगा मोंगोडीबी लोगों का, है ना। चलो अब सब देखें, यहाँ पे डोम बना ली पहले आप लोगों ने एक, तो बाकी कोड तो आपको समझ में आने लगे अच्छे से, है ना, बेसिक बेसिक, है ना। अब डोमो देख लो, फिर मोंगोडी पढ़ेंगे और फिर नोड जेस में और एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जब नोड जेस पढ़ेंगे तब। इतना जो हो गया कि अब आपका बेस बन जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। अब आप कोड समझ में आने लगे ना, जब मैं आपको दिखाई कोड, अब बस यही मेन था मेरे लिए आप लोगों का। हाँ तो बन गई सबकी फाइल डोम नाम की। तो अब दो डोम के साथ में हम दो चीज यूज करते हैं, गेट और सेट का, है ना। डोम में दो काम होते हैं, एक तो डेटा गेट होता है और एक डेटा सेट होता है। गेट और सेट का यूज होता है मेन डोम के अंदर, ठीक है। कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है डोम, वो अभी आप सीखने वाले हो। तो अभी जो लाइन आपको ये क्लियर नहीं हो रही है ना, ये लाइन अभी क्लियर हो जाएगी, देखो थोड़ी देर में ये लाइन कि ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले आप एक बनाओ फाइल गेट डॉट जे एस के नाम से, गेट डॉट जे एस, गेट दो बना लो फाइल, एक गेट, आज ही फिनिश हो जाएगा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, गेट और सेट, सेट डॉट जे एस, गेट और सेट दो बना लो फाइल, गेट जे एस और सेट जे एस, आज ही फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। अगली क्लास से मोंगोडीबी स्टार्ट होगा, बन गई दोनों फाइलें। और एक एक फाइल बनेगी डोम डॉट एच टी एम एल के नाम से, डोम डॉट एच टी एम एल, एक फाइल बनेगी डोम डॉट एच टी एम एल, बन गई तीनों फाइलें। चलो अब देखो, तो सबसे पहले हम सीखते हैं गेट क्या होता है, कैसे काम करेगा गेट। अब देखो, तो मैंने यहाँ पर डिव के अंदर एक आईडी ली ए नाम की, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आईडी का खेल होता है, अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो हेलो, जब हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे हम आईडी वाला काम करते हैं स्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, जो गेट डॉट जेस नाम की है ना उसको लिंक कर लो, गेट डॉट जेस नाम है ना उसको हम लिंक कर लेते हैं। एक्सटर्नल सिखाया था ना स्टार्टिंग में, एक्सटर्नल जेस लिंक कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट SRC और गेट डॉट जेस, इस तरीके से लिंक करते हैं एक्सटर्नल जेस। और मैं यहां पे आता हूँ एक्सटर्नल जेस पे, चेक कर लेता हूँ लिंक हुआ कि नहीं हुआ। पहले सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, ठीक है, चेक कर लें कि ये गेट डॉट जेएस हमारा लिंक हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो सेव किया, ब्राउजर रन कर दिया, तो प्रिंट हो गया, हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है ना ये वाला, हेलो गेट वाला, ठीक है। नोट करते हैं आप लोग, आप लोग भी चेक कर ले लिंक करके। हाँ आप लोग भी चेक कर लें लिंक करके, और यहाँ पे लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो। दोनों फाइलों को सेव करके चेक करो कि आप लोगों का एक्सटर्नल जेएस लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिंक हो जाए तो मैं बता देना,
लिंक हो जाए तो मुझे बता देना आप लोग। हाँ देखो गेट डॉट जेएस, ये हो गया लिंक सबका। बाकी लोगों का लिंक हो गया ना एक्सटर्नल जेएस। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे डोम की मदद से ये पता करना है कि इस ए नाम की आईडी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ना, इसका डेटा गेट कराना है। तो मैं यहाँ पे आया, देखो कितना सिंपल है, अभी हम गेट करना सीख रहे हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा, देखो मैंने लिखा क्या, वेयर डेटा, लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वे आईडी ए, और लिखा इनर टेक्स्ट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ए नाम की आईडी में जाके देखो और मुझे उसका जो भी उसमें है मुझे उसका टेक्स्ट प्रिंट कर दो। वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ए नाम की आईडी इसको मिल गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको प्रिंट करेगा। देखो अब मैं कहाँ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ उससे, कंसोल में चेक करना चाह रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं, डोम की मदद से डेटा गेट कर रहे हैं एचटीएमएल का। ब्राउजर पे किया, रन किया, कंसोल किया, जो मांगे चल के करेंगे। देखो देखो क्या आ गया, दिख रहा है कंसोल में डेटा। हेलो, अब मैंने कहा कि मुझे इसका एचटीएमएल भी प्रिंट करा दो। तो इनर टेक्स्ट में क्या हो रहा था, ये प्री डिफाइन है इनर टेक्स्ट, प्री डिफाइन, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे एचटीएमएल ही प्रिंट करा दो उसका, एचटीएमएल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर एचटीएमएल, प्रिंट हो गया एचटीएमएल, आ रहा है प्रिंट हो गया एचटीएमएल। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा गेट कर पा रहा हूँ मैं, देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल कलर रेड और सेव किया। अब मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, इसका स्टाइल पता करना चाह रहा हूँ, ठीक है, गेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, मैं वही गेट एट्रीब्यूट, क्या यूज करते हैं गेट एट्रीब्यूट, और लिख दिया मैंने यहाँ पे स्टाइल, सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। तो आ गया कि कलर रेड यूज हो रहा है, गेट कर लिया इसने डेटा। अब मैं पूरा टैग प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो यूज करेंगे गेट एट्रीब्यूट नोड, आगे प्रिंट हो गया कलर। अब मुझे आईडी पता करनी है, क्या लिखोगे आप, एट्रीब्यूट्स जीरो, क्योंकि जीरो बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, इसकी आईडी आ जाएगी। कर लिया डेटा ने पूरा गेट डोम की मदद से, समझ आया डेटा गेट कैसे करते हैं। अब यही काम हो रहा है, यही हम काम कर रहे हैं एक्सप्रेस में, रिएक्ट में, डेटा गेट डेटा सेट। आप लोग करके देखो, जी मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, चला के देखो आप लोग, था सबसे अब दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी आपको रिएक्ट में एक्सप्रेस में। क्योंकि साफ कहते हैं कि नोड पर काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। चला के देखें आप लोग गेट, फिर सेट बताता हूं। चला के कंसोल में चेक करें आप लोग भी करके।
अभी तो बाय डिफॉल्ट आपका ये चलेगा, सारे ओपन कर रखे होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आईडी आएगी, तो कमेंट करके चेक करते जाना। सेंड कर दिया ना चैट में, रखा है चैट में, गूगल चैट में देखो, यहाँ पे चैट में ग्रुप में देता हूँ। दोनों जगह दे दी मैंने आप लोगों को। चला के देखें, गेट करना नोट हो जाए बता देना, चल आके देख लो आप लोग गेट वाला काम। चल जाए तो बता देना मुझे। चला लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। बाकी लोगों ने अभी समय चला के देख लिया ना, गेट वाले गेट कैसे करते हैं। बाकी लोग और बताएं, चलो अब देखो सेट करके देखते हैं। अभी आपने क्या किया, डेटा को गेट किया, अब सेट करते हैं। तो स्क्रिप्ट देखो, यही सारा काम हो रहा है इसमें, एक्सप्रेस में, रिएक्ट में पूरा। सेट src सेट डॉट js सेट डॉट js। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूँ गेट वाले को, और सेट वाला कहेंगे ये सेट, ठीक है। इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ भी, पहले देख लूँ कि लिंक हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो सेव कर लिया, यहाँ ये सेव कर लिया और चेक कर लेता हूँ। देखो आ रहे हैं हेलो दो दो बार, ठीक है। इसका मतलब पहले मैंने सेट हो गया, आप लोग इतना करें, पहले स्क्रिप्ट सेट करें मेरे सेट डॉट जेएस को। पहले आप लोग भी सेट करके देख लें, हो जाए फिर बताएं। ठीक है, बाकी लोगों का
सेट डॉट जेएस सिंपल लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक कर लो कि सेट हो भी रहा कि नहीं हो रहा है। सिंपल लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट नॉट राइट, बस हो गया सबका सेट। हो जाए तो बता देना मुझे, सेट कर लिए सबने। बाकी लोगों का लिंक हो गया सेट वाला। न्यू बाय क्या हो गया? चलो अब देखो सेट पे कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा बिल्कुल। अब देखना क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा डिप के अंदर एक आईडी लिखा मैंने ए, और इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है? देखा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। देखो तो मैं किस में जाकर लिखूंगा सब कुछ, स्क्रिप्ट में जाकर देखो बी, क्योंकि तो मैं सेट करना है ना। देखो अब मैं चलता हूं सेट के अंदर। अब मैंने सिंपल क्या लिखा, सिंपल सा क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या लिखा मैंने ए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए नाम की आईडी में जाओ और क्या सेट कर दो, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्यों लगाया, क्योंकि तो मुझे एचटीएमएल टैग का यूज कर रहा हूँ, और मैंने कहा उसमें पीएन फोर्सेस ग्वाली लिख दो। देखो लिखा मैंने सेंटर H1 पीएन फोर्सेस ग्वालियर। अब देखना वेबसाइट पे जाऊंगा तो सेव किया, सेव किया, देखो आ गया, आ गया कहीं आ गया। और यहाँ पे कुछ लिखा है हमने एसटीएल में कुछ ऐसा, देखो आप लोग दिख रहा है सबको, हमने कुछ भी नहीं लिखा एसटीएल में, सब कहाँ सेट हो रहा है जावा स्क्रिप्ट से, है ना? अब देखो ऐसे ही, अब मैंने कहा स्टाइल सेट कर दो, मैंने कहा सेट एट्रीब्यूट, लिखा स्टाइल बॉर्डर 10 पिक्सल डॉटेड रेड। अब देखना सीएसएस भी सेट हो जाएगी, देखो हो रही है सेट कर रहे हैं हम। कंसोल में जाकर देखो, देखना कंसोल में आप, और देखो यहां सब दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है सब कुछ। देखो स्टाइल बॉर्डर 10 पिक्सल डॉटेड सेंटर H1 सब दिखा रहा है ना? ऐसी देखो ये, अब रिमूव करना है तो रिमूव एट्रीब्यूट से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देखो हो गया रिमूव, ऐसी बी में करना है तो ऐसी बी में कर दो, आगे लिखा हो पीएन फोर्सेस, और जबकि यहां कुछ लिखा ही नहीं है। ना समझ आया सेट और गेट का मतलब क्या होता है सब लोगों को? आज मैं दे रहा हूं चैट में आपको। अब यहां देखो, अब इसमें देखो, अब यहां क्या हो रहा है, यहां लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वे आई डी ए रूट, दिखा है रूट आपको क्यों सब लोग? इस रूट में क्या चल रहा होगा, ये तो देखो रूट डॉट रेंडर, ये तो रेंडर होगा हेलो वर्ल्ड,
दिख रहा है सबको कि दिख रहा है? नोट करके देखो आप लोग, नोट करो उसको। चला के देखें आप लोग भी। जी मैंने चैट में दिए आप लोगों को गेट और सेट जे ग्रुप में देता हूं। हेलो समझ आ गया? डोम, डोम का काम क्या होता है? इसी का मेन रोल है डोम, गेट करना और सेट करना चीजों को। नोट कर लें आप लोग अच्छे से और प्रैक्टिस करना जावास्क्रिप्ट की सब लोग। अगली क्लास से हमारा MongoDB स्टार्ट होगा और अगली क्लास से क्लास मत मिस करना कोई भी। अब हम लोग क्या सीखेंगे? डेटाबेस MongoDB। नोट हो जाए बता देना मुझे, हो गया? चलो अब अगली क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? MongoDB, ये MongoDB इंस्टॉल कराऊंगा, सेटअप कराऊंगा पूरा, मतलब डेटाबेस। फिर जब तक आपको डेटाबेस नहीं क्लियर होगा तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे बैकएंड पे? ठीक है, ये सीखेंगे MongoDB पहला पार्ट। अब जावास्क्रिप्ट मतलब न्यू भरवा दी मैंने आप लोगों की, अब उसमें पिलर खड़े करेंगे MongoDB और Node.js से। ठीक है, ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जावास्क्रिप्ट, MongoDB और Node.js। बस उसके बाद हमारा एक्सप्रेस पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट बनाना चालू हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब गलती से भी कोई बंदा छुट्टी नहीं करना सब लोग। ठीक है, याद रखना थर्सडे से छुट्टी नहीं करना बिल्कुल भी कोई भी बंदा, नहीं आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, चलो गुड नाइट सब लोग। जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना अच्छे से।